बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के घर जल्द ही जश्न का माहौल देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान जेल से वापस लौट आए हैं। जी हां, ड्रग्स मामले में आर्यन खान बुरी तरह से फंसते हुए नजर आए। शाहरुख खान और गौरी खान की तमाम कोशिशों के बाद आर्यन खान को जमानत मिली। 2 अक्टूबर शनिवार की देर रात एनसीबी की टीम ने आर्यन को अपनी हिरासत में लिया था। वहीं उनकी जमानत याचिका को 2 बार खारिज भी किया गया, लेकिन 28 अक्टूबर के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अपनी मोहर लगा दी और 30 अक्टूबर शनिवार की सुबह आर्यन को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया। आर्यन खान की रिहाई पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे भी अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। इस मामले को लेकर लगातार कई सेलिब्रिटीज ने अपने दिल की बात कही है, आर्यन के बचाव में उतरते हुए नजर आए हैं। इस मुश्किल घड़ी में शाहरुख खान का सहारा बनते हुए देखे गए हैं। वहीं दूसरी ही तरफ जश्न की वजह है शाहरुख खान का जन्मदिन। जी हां, 2 नवंबर के दिन शाहरुख खान अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। शाहरुख खान को बहुत ही बड़ा तोहफा मिल चुका है कि उनके बेटे अब घर लौट आए हैं। वहीं ऐसे में देखा जाए तो इस मामले को लेकर अपनी दिल की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं बॉलीवुड की सुपरस्टार पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर अपने दिल की बात कही, तो वहीं अब अपने बच्चों को लेकर भी वह अपने दिल की बात शेयर करते हुए नजर आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी और अपने बेटों को लेकर क्या कहा है, इस मामले से कनेक्ट करते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान फाइनली अपने घर वापस लौट आए हैं। 30 अक्टूबर के दिन मुंबई की आर्थर रोड जेल से आर्यन को रिहाई मिल गई। जैसे ही आर्यन खान अपने घर वापस लौटे, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों ने बधाई देना शुरू कर दिया शाहरुख खान और उनके परिवार को। इसी दौरान देखा जाए तो सेलिब्रिटीज इस मुद्दे को लेकर अपनी राय प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अपने बच्चों को लेकर भी तमाम बातें कह रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड के सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने तीनों बच्चों को लेकर ड्रग सेवन को लेकर बातचीत की है। दरअसल हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा से एक सवाल पूछा गया कि क्या स्टार किड्स ड्रग्स का सेवन करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने जवाब में कहा कि आज मैं इस मामले में खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे तीनों बच्चे लव, कुश और बेटी सोनाक्षी के बारे में बहुत फक्र से कह सकता हूं कि मैंने इनकी अच्छी परवरिश की है। इनको ना मैंने किसी किस्म के किसी ऐसी आदत में पाया, ना कभी सुना, ना देखा है और ना वह करते हैं ऐसी कोई हरकत। ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चे पर ध्यान दे और देखें कि कहीं उनका बच्चा अकेला तो नहीं है या गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा है। माता पिता को बच्चों के साथ बैठकर एक वक्त का खाना तो खाना ही चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आर्यन को सिर्फ इसलिए नहीं माफ कर देना चाहिए क्योंकि वह शाहरुख खान का बेटा है, लेकिन सिर्फ इसी बात पर उस पर निशाना भी नहीं साधना चाहिए। न्याय होना चाहिए और वह हुआ है। बता दें आपको, शत्रुघ्न सिन्हा शाहरुख के बेटे आर्यन को सपोर्ट करते हुए नजर आए, उनके बचाव में उतरते हुए नजर आए और इस मामले को लेकर अब तक उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कई सारी बातें कही हैं। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा ने सवाल उठाया कि किस तरह से एनसीबी ने आर्यन को गिरफ्तार किया। उनका कहना है कि या तो ये गिरफ्तारी मामले से भटकाने के लिए हुई थी या फिर शाहरुख के साथ अपना हिस्सा पूरा करने के लिए, चुनौती हो या ना हो ऐसा जरूर होना चाहिए। मेरा शुरू से ही मानना है, मैं तो प्रीच और प्रैक्टिस करता हूँ, एंटी टबैको कैंपेन करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ से नो टू ड्रग्स और टबैको पर बैन लगाओ।
इस तरह से इस पूरे मामले को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बात रखी। वेल, इस बात से सभी वाकिफ हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली बेटी सोनाक्षी सिन्हा इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, तो वही उनके बेटे लाइमलाइट से दूर ही नजर आते हैं और इस तरह से अपने बच्चों को लेकर अपने मन की बात कही है सुपरस्टार ने। वहीं बीते कई सालों से अपने राजनीति करियर को लेकर भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में बने हुए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखा जाना किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और वह शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए हैं भगवान का कि उनके बच्चे ड्रग्स का सेवन नहीं करते हैं। फिलहाल देखा जाए तो सोनाक्षी सिन्हा जो कि इंडस्ट्री का जाना माना नाम है और अपने फिल्मी करियर को लेकर हमेशा ही चर्चा का विषय भी बनी रहती हैं। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।